दोस्तों, आज हम एक गुब्बारे का उपयोग करके बहुत ही आकर्षक पानी का फव्वारा बना रहे हैं। इस गतिविधि में हम यह जानेंगे कि कैसे एक ही गुब्बारे का उपयोग करके कई पानी के फव्वारे बनाए जा सकते हैं। इसके लिए हमें कुछ सामग्री की आवश्यकता होगी, जैसे 3 समान बोतलें, 3 मुड़ी हुई स्ट्रॉ, पाइप के 2 टुकड़े, एक गुब्बारा, कैंची, गोंद और रंगीन पानी। सबसे पहले कैंची की मदद से प्लास्टिक की बोतल में ऊपर की तरफ एक छेद करें। बेंड स्ट्रॉ या मुड़ी हुई स्ट्रॉ को बोतल में इस तरह डालें कि स्ट्रॉ का सिरा बोतल के निचले हिस्से को छू जाए। प्लास्टिक की बोतल के छेद को गोंद से सुरक्षित करें और गोंद को लगभग आधे घंटे तक सूखने दें। गोंद को पूरी तरह से सूखने के बाद बोतल को ट्रे में रखें और उसमें पूरी तरह से रंगीन पानी भर दें। अब गुब्बारे को उसके मध्यम आकार तक फुलाकर गुब्बारे के निचले हिस्से को पकड़ें और उसे बोतल के मुंह पर लगाएं। सुनिश्चित करें कि गुब्बारे से हवा का रिसाव या लीकेज ना हो। जब आप गुब्बारे के मुंह से हाथ हटाते हैं तो आप देखेंगे कि मुड़े हुए स्ट्रॉ से सुंदर पानी का फव्वारा शुरू होता है। आपको यह पानी का फव्वारा देखते ही पसंद आएगा। आइए अब समझते हैं कि यह फव्वारा कैसे बना। जब हम एक गुब्बारा फुलाते हैं तो हवा हमारे फेफड़ों से निकलकर गुब्बारे की अंदर की परत से टकराती है। इससे गुब्बारे में हवा का दबाव बनता है जो गुब्बारे को फुलाने में मदद करता है। गुब्बारे का लचीलापन गुब्बारे में हवा की मात्रा को कम करता है और परिणाम स्वरूप गुब्बारे के अंदर हवा का दबाव बढ़ जाता है। इसके कारण गुब्बारे के अंदर का वायुदाब हमेशा बाहर के या वातावरण के वायुदाब से अधिक होता है। जब हम अधिक दबाव वाले गुब्बारे को बोतल के मुंह से जोड़ते हैं तो अधिक दबाव वाली हवा बोतल में प्रवेश करती है, जिससे बोतल का पानी स्ट्रॉ के माध्यम से बाहर निकलता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक सुंदर पानी का फव्वारा बनता है। आइए अब इस गतिविधि में कुछ बदलाव करें। 3 बोतलें ले और तीनों बोतलों के आधार के पास छेद करें और उन्हें दिखाए गए अनुसार पाइप या स्ट्रॉ की मदद से एक साथ जोड़ दें। इन सभी को गोंद से सुरक्षित करें ताकि पानी का रिसाव या लीकेज ना हो। फिर से तीनों बोतलों के ऊपर की तरफ छेद करें और प्रत्येक बोतल में मुड़ी हुई स्ट्रॉ डालें। फिर से छेद को गोंद के साथ सुरक्षित करें। बोतलों को गोंद की मदद से लकड़ी के तख्ते पर लगाएं और गोंद के सूखने का इंतजार करें। जब गोंद सूख जाए तो बोतलों से ढक्कन हटा दें और उन्हें पूरी तरह रंगीन पानी से भर दें। बोतलों पर ढक्कन को ठीक करें। बोतल को ट्रे में रखें ताकि हम उसमें पानी जमा कर सकें। फिर से गुब्बारे को फुलाएं और किसी एक बोतल में लगा दें। जब हम गुब्बारे से हाथ हटाते हैं तो हवा बोतल में प्रवेश करती है और इस हवा के दबाव के कारण आप तीनों बोतलों से फिर से एक सुंदर पानी का फव्वारा देख सकते हैं। अगर आप इस गतिविधि को ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि सिर्फ एक ही बोतल खाली हुई है, बाकी 2 नहीं। भले ही पानी के फव्वारे तीनों बोतलों से आए हो, लेकिन दोनों बोतलों में पानी का स्तर अपने मूल स्तर को दर्शाता है। अब सवाल यह है कि तीनों बोतलों को कैसे खाली किया जाए। जब आप गुब्बारे को दबाते हैं तो अतिरिक्त दबाव के कारण आप अन्य 2 बोतलों से भी पानी निकाल सकते हैं। अब और कुछ बदलाव करते हैं। इसी प्रकार की सामग्री का उपयोग करें और वही बोतल स्ट्रॉ असेंबली बनाएं, जैसा हमने पिछली गतिविधि में किया था, लेकिन इस बार छेदों को बोतलों की गर्दन के पास बनाएं और उसमें स्ट्रॉ या पाइप जोड़ें।
फिर से सभी छेदों को गोंद के साथ सुरक्षित करें। तीनों बोतलों में रंगीन पानी भरें। इस बोतल स्ट्रॉ असेंबली को ट्रे में रखें। किसी एक बोतल का ढक्कन हटा दें और उस पर फुलाया हुआ गुब्बारा लगा दें। जब हम हाथ हटाते हैं तो आपको फिर से तीन पानी के फव्वारे मिलेंगे। पहले की गतिविधि की तुलना में यहाँ मुख्य अंतर यह है कि तीनों बोतलों में पानी का स्तर कम हो गया है, जबकि पहले गतिविधि में केवल एक ही बोतल में पानी का स्तर कम हुआ था। इन सभी गतिविधियों का मूल सिद्धांत वही है जिसकी हमने पहले चर्चा की थी। यहाँ पानी या हवा यह या तो एक बोतल से दूसरी बोतल में स्थानांतरित हो सकते हैं। ए नाम की तीन बोतल स्ट्रॉ असेंबली जहां हमने बोतल के नीचे पाइप लगाई, वहां पानी एक बोतल से दूसरी बोतल में जाता है, जबकि बी नाम की असेंबली में हवा एक बोतल से दूसरी बोतल तक जाती है। हमें आशा है कि आपको बोतल स्ट्रॉ की यह गतिविधि पसंद आई होगी और आप इसे बना के घर पर ही बड़ी सरलता से वायु दाब के प्रभाव को जान सकते हैं। ऐसे ही अधिक दिलचस्प गतिविधियों को जानने के लिए आइजर पुणे साइंस एक्टिविटी सेंटर के YouTube चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।